हिमाचल में चल रहे सीमेंट विवाद को लेकर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि सीमेंट विवाद को लेकर पूरी सरकार चिंतित है और हल निकालने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमेंट विवाद को लेकर विपक्ष की बयानबाजी फिजूल की है और आगामी कुछ दिनों में ही सीमेंट विवाद का हल हो जाएगा। हमीरपुर के सर्किट हाउस में संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भाजपा को बयानबाजी न करके अपितु समस्या को हल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीमेंट विवाद को लेकर अपनी भागीदारी नहीं दिखाई है और केवल बयान ही दिए है। विपक्ष के फिजूल खर्ची के बयानों पर पलटवार करते हुए संजय अवस्थी ने कहा कि 75,000 करोड़ का कर्ज भाजपा ने अपने समय में विरासत में कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं आई है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। वहीं संजय अवस्थी और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। सीमेंट उद्योग में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित सरकार जो है पूरी सरकार चिंतित है और इसके हल निकालने के लिए पूरी तरह से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। और जो आपने बयान की बात करी तो मुझे तो एक स्पष्ट नहीं किया आपने कि किस सरकार की वो बात कर रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार का भी इसमें जो एक बहुत बड़ा रोल है और यदि केंद्र सरकार भी यदि चाहती तो इसका विवाद जो है पहले भी हल हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये प्रदेश में 2 उद्योग स्थापित हैं और एक जो उद्योग है सीमेंट उद्योग मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, मैं पूरा अपडेट ले रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही एक आध दिन के अंदर अंदर जो है ये विवाद का हल हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक से प्रेरित बयानबाजी है और आरोप नहीं लगाने चाहिए, समस्या का हल करने की बात करनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी जो है प्रदेश सरकार की है उतनी ही केंद्र सरकार की भी है और उतनी एक विधायक की भी है। विधायक वो किसी भी पार्टी से है लेकिन उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो इस समस्या के हल के लिए प्रयास करें। तो आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है लेकिन उन्होंने इस समस्या के हल के लिए कोई अपना, मैं नहीं समझता कोई भागीदारी उन्होंने दिखाई है। हाँ, प्रदेश सरकार जो है चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्द इस विवाद का हल हो। मुझे आशा है कि एक आध दिन में इस विवाद का हल हो जाएगा। फिजूल खर्ची जिनके अपने घर शीशों के हुआ करते हैं और दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। 75,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने कर्ज जो है विरासत में हमारी सरकार को दिया है तो वही अपने आप में एक बयां करता है कि दास्तां क्या है। तो इससे अधिक मैं नहीं बोलूँगा। और फिजूल खर्ची जो उन्होंने करी, सत्ता सुख जो उन्होंने भोगा, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और ये जो 75,000 करोड़ रुपए का जो ऋण उन्होंने हमें विरासत में दिया है, सबसे पहले तो हमें इससे उभरना है और अपने प्रदेश को स्वावलंबी बनाना है और लगभग 2-3 साल के अंदर अंदर जो है हम रिसोर्स जनरेशन जो है के माध्यम से अब प्रदेश को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन लेकर आ रहे हैं, नई टूरिज्म नीति लेकर आ रहे हैं और जो हमारी मूलभूत सुविधाओं का ढांचा जो आज अस्त व्यस्त हो गया है उसको मजबूती के लिए, और हम जो है बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी देखा आपने कि आज 45 दिन लगभग हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन 45 दिन में कितने महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे अगर भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो, चाहे वो नई योजनाओं को लागू करने की बात हो। और ये पहले मुख्यमंत्री थे कि जो शपथ लेने के बाद सीधे सचिवालय नहीं गए, वो अनाथाश्रम गए। तो उनकी ये सोच दर्शाती है कि उनके मन में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं।